कि आप भी अपने मोबाइल की फोटो वीडियोस को एसडी कार्ड में शेयर करना चाहते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि आप अपने मोबाइल की फोटो और वीडियोस को अपनी मेमोरी में कैसे शेयर कर सकते हैं या फिर कैसे कॉपी कर सकते हैं या पेस्ट कर सकते हैं? वही इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। सो वीडियो को ध्यान से देखते रहिए, पर बहुत बहुत स्वागत है। सो यहाँ देखिए, बेसिकली अपने मोबाइल पर हैं और यहाँ देखिए हम अपनी फाइल को ओपन कर लेते हैं, फाइल मैनेजर को। और यहाँ पर जैसे बहुत सारी फोटोज होती हैं, वीडियोज होती हैं, जो मैं बहुत सारे क्लिक कर लेते हैं या फिर हमारे फोन का स्टोरेज भर जाता है, जिसके कारण हम अपना कुछ भी डाटा या कोई भी अपनी चीजें किसी दूसरी जगह रखना चाहते हैं, जैसे कि हमारे पास एसडी कार्ड अवेलेबल है या किसी पेन ड्राइव में हम भी डालना चाहते हैं, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं और उन्हें यहां से मूव भी कर सकते हैं और कॉपी भी कर सकते हैं। सो इसके लिए देखिए मैंने फाइल मैनेजर को ओपन कर लिया है। अभी देखिए यहां पर हमारे सामने फोन स्टोरेज है, हम यहां पर क्लिक करेंगे और फोन स्टोरेज को ओपन करने के बाद यहां से जो भी फाइलें हैं या जो भी फोल्डर में आपने रखी हैं उनको चूज कर लेना है। जैसे मैं यूपीएससी पे क्लिक करता हूं और यहां से देख सकते हैं मैं कुछ यहां पर फाइलों को सेलेक्ट कर लेता हूं। एग्जांपल के तौर में मैंने दो फाइल सेलेक्ट कर ली हैं, ये फोन स्टोरेज से। इन्हें कॉपी करने का मतलब होता है तो वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए मूव का मतलब होता है कि एक जगह से दूसरी जगह को फाइल को स्थानांतरित करना या ट्रांसफर कर देना। तो यहां से अगर आप मूव कर क्लिक करेंगे तो दूसरी जगह पर फाइल चली जाएगी, एक ही जगह पर फाइल रहेगी। लेकिन कॉपी पर यहां देखिए ऑप्शन लिखा है कॉपी, कॉपी का मतलब होता है जहां से आप कॉपी करेंगे तो वहां पर भी वो फाइलें रहेंगी और जहां पर आप इसे पेस्ट करेंगे जिस भी मतलब जाकर किसी भी स्टोरेज में, चाहे वो आपका एसडी कार्ड स्टोरेज हो या आपका फोन स्टोरेज हो या फिर आपके पेन ड्राइव स्टोरेज हो, तो वहां पर भी रहेंगी और जहां से कॉपी किया वहां पर भी रहेंगी। तो चलिए मैं कॉपी पर क्लिक करते हैं और इसके बाद देखिए एसडी कार्ड का ऑप्शन होगा, वहां पर क्लिक करेंगे और जिस भी यहां पर आप फोल्डर में रखना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग फोल्डर चूज कर लेंगे। चलिए मैं देखिए पिक्चर्स वाले फोल्डर पर रखना चाहता हूं या क्रिएट फोल्डर पर क्लिक करके आप एक नया फोल्डर यहां से बना सकते हैं। जैसे कि मैंने देखिए यहां पर रख दिया, तो मैंने एक नया फोल्डर यहां पर बना दिया। चलिए यहां देखिए न्यू फोल्डर डी, या फिर आप उसका कुछ अपने अकॉर्डिंग जो भी नाम रखना चाहे, तो मैं यहां पर लिख देता हूं 07 और सेव पर हम क्लिक करेंगे। ये देखिए फोल्डर यहां पर बन चुका है और इसी फोल्डर के अंदर मैं इन फाइल्स को पेस्ट करता हूं। तो यहां देखिए कॉपी टू हेयर पर हम क्लिक करेंगे। अभी यहां से देखिए हमारी वो दोनों के दोनों फाइल यहां से कॉपीड हो चुकी हैं। चलिए हम बैक करते हैं और अभी जाएंगे अब अपने एसडी कार्ड पे, हम इसे ओपन करते हैं और जो हमने न्यू फोल्डर बनाया है देखिए यहां पर लिखा हुआ है न्यू फोल्डर 07, क्लिक करेंगे और दोनों के दोनों यहां जो वो फाइल्स थी यहां पर आ चुकी हैं। सो इस तरीके से आप बहुत ही आसान तरीके से अपने मोबाइल में जो भी आपने रखा होगा, आपकी फोटोज, वीडियोस, डॉक्यूमेंट या फिर इसके अलावा जो भी आप अपना अदर फोन में जो भी रखते हैं वो अपने फाइल में भी इसी तरीके से ट्रांसफर कर सकते हैं। या फिर कई कारण होते हैं जिनके कारण लोग शेयर करना चाहते हैं, अपने मोबाइल के स्टोरेज को भी कम करना चाहते हैं या फिर प्राइवेटली कुछ चीजें होती हैं जो अपने अलग रखना चाहते हैं, इसके लिए भी आप यहां पर कर सकते हैं। सो मैं आशा करता हूं छोटी सी वीडियो थी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियोस कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसी और भी वीडियोस पाने के लिए चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।